दार्जिलिंग के चौरस्ता माल रोड से हटाए गए फुटपाथ व्यवसायियों के लिए गोरखा रंगमंच भवन परिसर में अस्थाई हॉकर्स मार्केटिंग खोला गया है और आपको बता दें कि जिसका उद्घाटन जीटीए के कार्यालय अनित थापा द्वारा किया गया है। और इस अवसर पर दार्जिलिंग के जिलापाल एस पूनम बालम, नगर पालिका अध्यक्ष दीपेन ठकुरी थे और इस विषय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनित थापा ने कहा कि 106 दुकानदारों के लिए रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गया था और साथ ही दार्जिलिंग के चौरस्ता परिसर को साफ सफाई का भी ध्यान रखना था। सभी समस्या पर विचार करने के बाद अस्थायी रूप से गोरखा रंगमंच भवन परिसर में हॉकर्स मार्केट खोला गया और भविष्य में इसको अन्य जगह में स्थायी करने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। व्यवसायियों ने अनित थापा के इस कार्य से खुशी व्यक्त की है।